नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मिनी पॉवर टिलर विषयी जाणून घेणार आहे आणि मिनी पॉवर टिलर मध्ये लोक कमेंट करता की सर आपल्याला व्हील मिळत नाही, चाक मिळत नाही, तर त्याच्यासाठी मित्रांनो जे इंडस्ट्रियल गेअर असतात हे तुम्हाला मी लिंक मध्ये त्याचा फोटो वगैरे दाखवेल व्हिडिओ मध्ये। इंडस्ट्रियल गेअर जे असतात ते गेअर काय करतात, इंडस्ट्रियल गेअर जे असतात ते आपल्याला मिळणे कधी कधी शक्य होत नाही। मग तुमच्यासारखे काही मित्र आपली मंडळी हे फोन करत असतात, वारंवार फोन करू नका, टायमिंगमध्ये फोन करा आणि तुम्हाला मी मदत करेल। पण आता आपण इथून पुढे मी तुमच्या म्हणजे खास तुमच्या समोर येण्याचं कारण म्हणजे मी आपण आता इथून पुढे मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मिनिट पॉवर टिलरचं मेजरमेंट पूर्ण देणार आहे, कसं बनवायचं आहे, काय बनवायचं आहे, याची संपूर्ण माहिती आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये राहणार आहे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 याच्यामध्ये आपण हे व्हिडिओ बनवणार आहे मित्रांनो। म्हणजे पार्ट 1 झाला की पार्ट 2, पार्ट 2 झाला की पार्ट 3 असं आपण व्हिडिओ बनवणार आहे। म्हणजे आपण यूट्यूबला भरपूर व्हिडिओ पाहिले पण मेजरमेंट कोणीच दाखवत नाही आणि ज्ञान लपवल्याने वाढत नसतो, दिल्याने वाटल्याने वाढत असतो। भरपूर लोक ज्ञान देत नाही, म्हणजे माहिती असते त्यांना पण त्याच्यात टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का बरं देत नाही की कारण त्यांना असं वाटतं सारे जर धंदे करायला लागले, साऱ्यांनी जर मिनी पॉवर टिलर बनवला आपले विकत कोण घेणार, तसं नसतं। ज्ञान वाढल्याने वाढत असतं, लपवल्याने घटत असतं। आपण इथून पुढे तुम्हाला पूर्ण टेक्निकल माहिती देणार आहे, तसं तसं तुम्हाला बनवायचं आहे। फक्त जास्त म्हणजे त्याच्यात आपण सर्व सविस्तर देणार आहे आणि ते आता आपण पूर्ण सिस्टम पद्धतीने वन स्टेप बाय स्टेप पूर्ण बेरिंग किती वापरावं लागणार आहे, कसं चेन्स पॉकेट गिअर नाही मिळाल्यावर आपल्याला काय अल्टरनेटिव्ह करायचं आहे, कुठे लेथ मशीनचं वर्क कुठे राहणार आहे, हे सर्व माहिती आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। आणि याच्यातून आपण आमच्याकडून पॉवर टिलर घ्यायचं जमत नसेल तुम्हाला, आमच्या राज्यात महाराष्ट्रातून येऊन घेता येत नसेल, लांब पडत असेल, तर आपल्या जवळच आपण वेल्डिंग शॉपवर आपण बनवू शकता। त्यांना आपली पूर्ण माहिती दाखवली की ते आपल्याला बनवून देतील। आणि आपल्याला आता भरपूर शेतकऱ्यांच्या कमेंट आहे की सर आम्हाला फक्त सांगाडा पाहिजे, चेसिस पाहिजे, आम्हाला इंजन नको, इंजन आमच्याकडे जुनं अवेलेबल आहे। तर अशा शेतकऱ्यांसाठी आपण हे व्हिडिओ बनवत आहे कारण की ते तिकडेच आपल्या एरियामध्ये आता ट्रान्सपोर्टिंग खर्च 2-4 हजार रुपये ते एक्स्ट्रा करत नाही आणि जे लहान शेतकरी आहे, गरीब म्हणजे त्यांची आर्थिक स्थिती फार कमी नाजूक आहे, असे शेतकरीच या जुगाडकडे येतात कारण की जास्त पैसे ज्या शेतकऱ्यांकडे जास्त पैशाचं मोठं इनोव्हेशन घेण्याची ताकद आहे त्यांच्यासाठी कंपनीचे भरपूर मशनरी आहे। जे लहान शेतकरी आहे त्यांच्यासाठी आपण हे व्हिडिओ बनवतो आहे मित्रांनो। जे 1-2 एकर, 5 एकरच्या, 10 एकरच्या आज शेती आहे, जास्तीत जास्त 2-3 एकरच्या आज ज्यांची शेती आहे त्यांच्यासाठी आपण हे यंत्र बनवतो आहे। मोठे शेतकरी पण याचा लाभ घेऊ शकता, पण लहान शेतकऱ्यांसाठी आपण हे त्यांना एक मदत व्हावी, आपल्या बांधवांकडून शेतकरी बांधवाची मदत व्हावी या हिशोबाने आपण हे व्हिडिओ बनवतो आहे। आणि त्यांनी सिंगल व्हील, डबल व्हील, आता आपण पहिली सिरीज आपल्याला सिंगल व्हीलमध्ये चालू करणार आहे। सिंगल व्हीलचे पूर्ण मेजरमेंट कसं बनवायचं, काय बनवायचे, किती माप पाहिजे, हे झाल्यानंतर आपण डबल व्हीलमध्ये बनवणार आहे। आणि ज्यांची डोकेलिटी याच्यातून जर त्यांनी डोकं लावून घेतलं तरी डबल व्हील सिंगल व्हीलच्या प्रणालीतूनही बनवू शकता। तर आपण आता इथले पुढे जे व्हिडिओ राहणार आहे आपले हे सिंगल व्हीलपासून डबल व्हील, आता आपण सिंगल व्हीलचे पूर्ण स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, 3 असा पूर्ण याच्यात आपण व्हिडिओ बनवणार आहे। पहिले चाकापासून किती बनवायचे, काय अंतर किती ठेवायचा, काय ठेवायचा, बॉल बिअरिंग किती वापरायची, चेन्स पॉकेट गिअर कोणता वापरायचा, कोणत्या टीचचं गिअर वापरायचं, हे पूर्ण माहिती आपण इथून आपण चालू करणार आहे। चला तर मग व्हिडिओकडे मित्रांनो, थँक्यू, धन्यवाद। हॅलो किसान भाइयों, आप जो देख रहे हैं ये हमने सीरीज चालू किया है मिनी पावर टिलर, जो सिंगल व्हील वाला आता है मिनी पावर टिलर, उसमें हमने क्या करा है अभी पूरा मेजरमेंट बताएंगे आपको कैसा क्या बनाने हैं, तो इसमें पूरा मेजरमेंट बताएंगे। तो 16 इंचेस व्हील हमने इसमें बना रहे हैं, तो 16 इंचेस या आप 18 इंचेस भी व्हील इसमें ले सकते हैं, ऐसा कोई डिफेंड नहीं है, आप 16 या 18 इंचेस भी ले सकते हैं। पर जितना आपका जो व्हील है और जितना छोटा रहेगा उतना आपको पलटी होने से संभावना कम रहती है, और जितना छोटा व्हील रहेगा तो इससे आपको काम करने में आसानी होगी या बाकी का दिक्कत नहीं आता है, और ग्राउंड क्लीनर्स कम होने की वजह से पलटने में कोई आपत्ति, जैसे टर्न लेते वक्त कोई बच्चा हो या छोटा बड़ा आदमी हो उससे भी पलटी
ये मिनी पावर टिलर हो जाता है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा ग्राउंड क्लीनेस कम रहेगा तो ज़मीन से चिपक के चलेगा। इसके वजह से इसमें हमने 16 इंचेस और 18 इंचेस दोनों रखे, तो इसमें से आप दोनों में से व्हील ले सकते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे ये पूरा जो इसमें 40 सेंटीमीटर 16 इंचेस, तो इसके लिए बहुत से किसान भाइयों को ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि इसमें कौन सा एमएम का सरिया लेना चाहिए। आप 16 mm 18 mm का लोहे का रॉड ले सकते हैं और ये आपको लगभग मेरे हिसाब से 12-13 फिट लगेगा। तो अभी इसमें इसका लेंथ कितना लेना है, जो ये व्हील्स है इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, जो ये पूरे बार अपने को व्हील में लिए कितना चाहिए, तो अपने को तीन क्वांटिटी अपने को इसमें तीन सरिया लगने वाला है। तो अपने को तीन सरिया लगने वाले हैं, इसमें तीन राउंड लेना है सरिया के 40-40 सेंटीमीटर के। तो इसके लिए मैं एक ले लेता हूँ, उसके बाद में ये दूसरा और एक तीसरा, तो ये हमने तीन लेने के बाद में ये जो हमने तीन सरिया ले ली, तो इसमें से एक हमारा रॉड जाएगा इस तरह से, ये 22 mm का रॉड इसमें से जाएगा और इस जगह इस पे हमारा तीन पट्टी वेल्डिंग होने वाला है। वो बताता हूँ मैं आपको, इस तरह से इसमें पट्टी लगेगा, इस तरह से आपको पूरा इसमें पट्टी लगेगा, तीन नट पे टच होगा जो हमारी ज़मीन से चिपक के चलेगा और इसमें हमारा व्हील गुदते हुए आगे ज़मीन से मिट्टी से स्लिप नहीं मारेगा। तो इस तरह की आपको इसमें पट्टियाँ लगाने की ज़रूरत रहेगी। तो इस जगह ऐसा अपने को ये तीन बार लेना है, तो ये अपने को इसमें लगने वाले हैं। तो आगे बताता हूँ मैं आपको, तो ये आपने ले लिया, तो इसके लिए अपने को सरिया कितना चाहिए लांबी को ये तीन राउंड बनाने के लिए, तीन सर्कल के लिए, और तीनों सर्कल को एक जगह चाक में फिट करना है और उसके ऊपर इस तरह से ये पट्टियाँ आएंगी एल कॉर्नर वाली, वो लगाना है। तो आपको लगेंगे 126 सेंटीमीटर के तीन बार लगेंगे। तो आपको बार देता हूँ, आप 16 mm 18 mm कौन सा भी ले सकते हैं। तो जो सरिया रहेगा व्हील के लिए वो आपको उसका पूरा लेंथ लेना है, ऐसे आपने को तीन सरिया लगेंगे, 126 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये जो पूरा सरिया है वो 126 सेंटीमीटर आएगा, ये जो इसका पूरा लेंथ है 126 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आपने को 126 सेंटीमीटर के तीन बार लेना है। या ऐसे अपने को तीन बार लेना है 126 सेंटीमीटर के अपने को तीन बार लेना है। तो किसान भाइयों 126 सेंटीमीटर के हम राउंड गिरा लेंगे, ऐसे तीन राउंड 40 सेंटीमीटर के सर्कल बना लेंगे वो जो रॉड से, और फिर इसके बाद में अगला प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो और उसका राउंड बना के 18 mm 16 mm ले सकते हैं और आपको तीन बार लगेंगे, तो आपको टोटल एक बार लगेगा, ये दो लगेगा और एक तीन, ऐसा आपको तीन बार लगेगा। जो पूरा रहेगा उसका लेंथ 126 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस ये जो बार है इसको पूरा आपको राउंड बना लेना है, इस तरह का पूरा इसको फोल्ड करके ऐसे तीन राउंड बना लेना है, ऐसे आपको एक दो तीन, ऐसे दो
मैं भी जगह खाली इसमें नहीं है इतना, ऐसे 3 बार बना लेने हैं। 3 राउंड लेने के बाद में इसमें इस तरह से फिट होगा ये 1 राउंड। अभी मैं कलर में दिखाने की कोशिश करूँगा, ये 1 बार होगा, ये बीच में का दूसरा होगा और एक तीसरा साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक एक बार ये एक एक राउंड आएगा और बीच में 1 राउंड बना के डालना है। तो आपको 3 बार के ऊपर इस ढांचे को बनाना है, तो ये आपका बन जाता है। लेंथ है ये पूर्ण 378 लागणार आहे सरिया, 126 चे 3 घ्यायचे, 3 ही प्लस केले तर आपल्याला 378 गणित मिळतं। आणि याच्यानंतर आपल्याला जे नेक्स्ट आहे, आपल्याला याच्यात 2 इंची पट्टी लागणार आहे। 2 इंची आपल्याला पट्टी लागणार आहे, याची लेंथ आपल्याला टोटल 320 सेंटीमीटर्स म्हणजे 126 इंच, म्हणजे जग जवळजवळ 11 फूट लागेल आपल्याला। तर 2 इंची जी पट्टी आहे ती आपण कुठे उभारणार आहे, 2 इंची पट्टी आपण याच्यात जे आता ही मी पहिले पट्टी लिहून घेतो, आपल्याला 2 इंची पट्टीची लेंथ आपल्याला 320 सेंटीमीटर लागणार आहे। मैं 2 इंची पट्टी लोखंडी जो लगेंगी इसकी लेंथ लगेंगी हमको 320 सेंटीमीटर्स, तो लगभग 126 इंच आसपास आती है। और लगभग इसका लेंथ जो होता है पूरा, तो ये 11 फीट के लगभग समथिंग समथिंग आपको लग जाएगी, 11 फीट के नज़दीक नज़दीक ये लगेगी। तो ये पट्टी अपने को का किस जगह पे यूज करना है, ये जो हमारे व्हील रहेंगे, ये जो गोल राउंड बना लेंगे हम इसमें, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। और जो ये 2 इंची पट्टी है, ये हमारी इस जगह लगेगी, ये जो हमारी जब ये पहिया चलेगा तो इसमें ये ग्रिप्स का काम करेंगी, इस जगह ऐसा आपको ये ग्रिप का काम करेगी। तो इसके वजह से अपने को ये पट्टी इसमें लेना है, तो ये इस तरह से आएगी, तो ये व्हील के ऊपर इस तरह आने वाली है, तो ये पट्टी इस तरह आएगी और ये जो हमारा व्हील है इसके ऊपर ये पूरी पट्टी लगने वाली है। तो इसका शेप कैसा रहेगा हमारा, तो मैं बता देता हूँ आपको, जो पट्टी रहेगी इसका शेप कैसा बनाएंगे आप, तो वो भी बता देता हूँ। ये जो पट्टी रहेगी इसका शेप ऐसा रहेगा, इस तरह से ये पट्टी आएगी हमारी। और इसमें पूरा, और ये जो 3 राउंड्स देख रहे हैं आप, तो ये राउंड इस जगह आने वाले हैं ऐसा, ये जो व्हील के राउंड है, ये जो हमारा बार है 16 mm का सरिया, ये इस जगह आएगा, एक सेंटर में आएगा वेल्डिंग, इस जगह सेंटर में से वेल्डिंग करना है और एक साइड से आएगा, और इसके ऊपर ये पूरी पट्टी लगेंगी इस तरह, ये जो पट्टी है ये पूरा इस तरह लगेगी। तो ये पूरा पट्टी अपने को कितना इंचेस लेना है, ये जो पट्टी का लेंथ है ये अपने को 8 इंचेस लेना है, 20 सेंटीमीटर। और ऐसे पूरे व्हील के ऊपर अपने को ये जो पट्टी है ये पूरा टोटल 16 लगने वाला है। तो इस तरह की जो पूरी टोटल पट्टी है ये, तो ये आपको पूरा इसका लेंथ 8 इंचेस लगेगा। तो अपने को मैं बता देता हूँ अभी, ये जो इसका टोटल लेंथ है ये 4 इंच इस तक आएगा, और इस जगह से
ये 4 इंच ऐसा टोटल मिला के 8 इंचेस पट्टी आपको 8 इंच पट्टी के टुकड़े कर लेना है पूरा, दो दो इंच का अपना 2 इंची पट्टी का 8 8 इंचेस पे ऐसे 16 टुकड़े करना है आपको। तो ये टोटल लेंथ बता देता हूँ, तो ये आप लोग 8 इंच के ये जो एल कॉर्नर है ये आपने को 8 इंच के 20 सेंटीमीटर के पीस लगने वाले हैं। 8 इंचेस इतना ही, 4 इंच ये 4 इंच ऐसा 8 इंच पूरा, और अपने को 16 कॉर्नर ऐसे 16 पीस लगने वाले हैं। इसके पूरी लेंथ होंगी 16 कॉर्नर की 320 सेंटीमीटर, 2 इंच की पट्टी लेंगे तो इसका लेंथ पूरा 320 सेंटीमीटर आएगा, लगभग 11 फीट के आसपास। तो ये पूरे पीस आपको इस पर चाक पे ऐसा वेल्ट से लगा देना है, आपको पूरा टोटल वेल्ड कर लेना है, ये जो है पूरा बार इसमें वेल्ड कर लेना है, ये टोटली वेल्ट इधर से ये पट्टी पूरा वेल्ड कर लेना है इसके ऊपर लोहे के ऊपर, और फिर ये आपका पूरा टोटली वर्क हो जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको जो वेल्डिंग रॉड है वो काफ़ी अच्छा यूज करना है, मंगलम का, हाई टाइड कंपनी का यूज करना है जिसका टाका अच्छा रहे, छोटे नहीं। और अब ये आपको इस जगह तक समझ में आ गया टोटली, इस तरह से लगा लेने के बाद में हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, अभी 2 इंची पट्टी ले लेंगे। और दोस्तों ये बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये कैसा करेंगे वो भी बताता हूँ। ये अभी अपना 16 कॉर्नर आएंगे और ये टोटल पूरा इसमें 16 कॉर्नर किस किस जगह पे कैसा बैठेगा, बिठाने का अपन कैसा मेजरमेंट निकालेंगे। तो सिंपल है, अभी ये हमने पूरा इसका फील ले लिया, थोड़ा बड़ा लेता हूँ, ये व्हील का फ्रंट बाजू ले लिया हमने इसमें, अभी इसमें फ्रंट में फील ले लिया, अभी इसमें से सेंटर से, इस सेंटर से एक लेंथ डाल देंगे। तो ऐसा आपको मेजरमेंट करना है, तो ये इसके लिए आपको ये जो पट्टी लगेंगी आपको, तो ये ऐसी पट्टी आपको कितना बिठाना है इसमें, ये जो व्हील को सपोर्ट के लिए, तो ये 2 इंची पट्टी ले सकते हैं या लोहे का 16 mm 18 mm का रॉड भी ले सकते हैं। अभी ये व्हील को ताकत किस जगह से देंगे, तो इसके लिए 2 इंची पट्टी हमको 37 सेंटीमीटर की 4 पट्टी लेना है। तो दोस्तों ये व्हील का लेफ्ट और राइट साइड हो गया, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, तो ये बता देता हूँ आपको मैं, लेफ्ट राइट साइड, और इसके सेंटर में भी ऐसा व्हील आएगा बीच में, और ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो दोस्तों आपको समझने के लिए, ये हमने लेफ्ट साइड ले लिया व्हील का और ये राइट साइड ले लिया, तो इसमें हमको 2 इंची पट्टी लगेगा 37 सेंटीमीटर का, तो वो किस जगह लगने वाला है वो भी बताऊंगा। तो ये 2 इंची पट्टी लोहे की आपको 37 सेंटीमीटर के 4 नग लगेंगे, तो ये किस किस जगह लगेंगे आपको, 2 इंची पट्टी लोहे की लेनी है और ये 37 सेंटीमीटर्स में 4 नग लगने वाले हैं, तो ये किस किस जगह लगेंगे तो वो भी बता देता हूँ। वो एक पट्टी लगेंगे आपको सपोर्ट देने के लिए सेंटर में, और दूसरी लगेंगी बीच के सेंटर के लिए, और राइट साइड में भी वैसी लगेगी, इस जगह से इसे सेंटर देने के लिए, व्हील्स को सेंटर देने के लिए। इसके ऊपर पूरा इसका आपका मशीन का वेट रहेगा है चारों व्हील्स के ऊपर, तो ये जो है बीच में आपका व्हील्स आ जाएगा, ये आपका इस जगह बेरिंग बैठ जाएगा, इससे रॉड जाएगा 22 mm का, और ये आपका टोटल इसके ऊपर ही बैलेंस रहेगा, जो 4 पट्टी आएगी आपकी 2 इंच की उसी के ऊपर आपका पूरा ये बैलेंस रहने वाला है। तो ये पूरा बैलेंस इन 4 पट्टी के ऊपर रहेगा,
तो ये चार नग लगेंगे, 2 इंची पट्टी लोहे की 37 सेंटीमीटर के पीस लगेंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो भी बता देता हूँ, ये जो हम पट्टी डालेंगे इसकी टोटल लेंथ बता देता हूँ, इतना जो है ये पूरा इसका लेंथ रहेगा, ये टोटल लेंथ है पट्टी का 37 सेंटीमीटर्स, और ऐसा 37 सेंटीमीटर्स, ये भी पूरा 37 सेंटीमीटर्स ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, और ऊपर से नीचे तक, ये भी 37 सेंटीमीटर्स रहेगा। तो इस तरह रहेगा ये, तो इसको खोल देते हैं अभी। अभी ये चार पट्टी लेने के बाद में हम आपको अभी जो हमारे 16 कॉर्नर था, तो ये 16 कॉर्नर हम कैसा बैठाएंगे इसमें। तो ये 16 कॉर्नर के लिए आपको ये चार लाइंस हो गया, इस पे चार कॉर्नर बैठ जाएंगे इसके ऊपर, 1 2 3 4, तो ये हो गया। तो इसी तरह आपको क्या करना है मैं आगे आपको समझाने के लिए, अभी इसमें हम क्या करेंगे, आपको व्हील ले लेता हूँ आगे, बड़ा व्हील, उसमें आपको जल्दी से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमने बड़ा व्हील ले लिया, अभी व्हील ले रहे हैं इसमें, अभी 16 जो कॉर्नर रहेंगे आपके, वो 16 कॉर्नर आपको कैसा बिठाना है इसमें। तो ये 16 कॉर्नर आप इसमें 16 कॉर्नर कैसे बिठाएंगे, तो अभी लेफ्ट राइट आप पूरा इसमें पेस्ट कर लेंगे वेल्डिंग से, और जब इस 16 कॉर्नर बिठाएंगे तो इसको कैसा बिठाएंगे, इसको अभी जो व्हील का एक ही साइड दिखा रहा हूँ, ये दोनों साइड से आएगा, तो अभी एक साइड दिखा रहा हूँ आपको। तो हम इसमें सेंटर में हमने जो 2 इंची पट्टी लगाई थी वो 37 सेंटीमीटर का पूरा आपको इसमें हमने लेंथ ले लिया, और ये भी 37 सेंटीमीटर्स का हमने, इसके ऊपर हमारा पूरा मशीन का लोड रहेगा इनके ऊपर। तो ये ऐसे अपने को चार पट्टे लेने, ये लेफ्ट और राइट साइड के पीछे दिखाया हमने वैसा, और इसके बाद में एक सेंटर से इसमें से एक लाइन मारेंगे, ये देख सकते हैं, और इसमें से भी एक लाइन लेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। तो इसमें से और मारेंगे बीच में से, ये दो, ये पट्टी हमारी, ये मेन सपोर्ट का पट्टी रहेगा, कौन सा मैं अभी रेड में दिखाता हूँ आपको समझने के लिए, वो रेड में ले लेंगे, और थोड़ी उसकी साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, जो मेन हमारा जो पट्टी रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा। तो ये समझ में आ गया आपको, इसके ऊपर हमारा पूरा बैलेंसिंग रहेगा। और अभी इसमें थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ जो बैकग्राउंड्स, तो ये हमारा व्हील का साइड से बाहर आ गया 16 mm 18 mm जो लेंगे आप, तो वो टोटल हो गया। अब इसमें हमको जो 16 पट्टी 2 इंच का वो बिठाना है, तो ये मेन हमारा ये पट्टी भी आ गया, और ये माइनस में भी ले लिया, तो इस तरह भी, और इसमें हम और लेंगे दो दो, तो इसमें से भी और लेंगे, इस जगह से लेंगे, इस जगह लाके छोड़ेंगे, इस जगह से लेंगे, इस जगह लाके छोड़ेंगे, इस जगह से लेंगे। ये आपको जो मैं लाइनिंग दिखा रहा हूँ
ये लाइनिंग सिर्फ आपको मेजरमेंट है, ये बिठाने के लिए आपको इसमें कोई लोहिया का सरिया गिरिया नहीं लगाना है। ये सिर्फ आपको जो पट्टी लगाने की जगह फिक्स करना है, तो वो निकालने के लिए आपको ये मार्किंग करना है दोरी से। इस जगह पे ये दोरी लगा के मार्किंग कर लेंगे और ये आपका इस जगह बेयरिंग आएगा व्हील्स का। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद में जो हमारा लोहे का व्हील का जो है, जो हमारा एल कॉर्नर जो लगेगा 16 कॉर्नर, तो अभी हम इसको आपको डैश के रूप में दिखा रहे हैं। एक एक जगह लगेगा, ये दो जगह लगेगा, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह और ये टोटली 16 हमारे एल कॉर्नर लगने वाले हैं। कौन से वाले वो भी बता देता हूँ। 2 इंच का जो आपने पट्टी लिया था वो पूरा आपको इस तरह जो पट्टी बनाएंगे हम फोल्ड करके, इस तरह से ऐसा पट्टी लेना है और ये पट्टी इस पे लगाएंगे हम व्हील के ऊपर इस तरह से। इसमें जो पूरा पट्टी आएगा व्हील पे पहले से दिखाया उस तरह से, तो ये ऐसा पूरा जो यल पट्टी आएगा बैंड वो पूरा हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। और इसमें आगे आपको बताऊंगा इसमें जो बॉल बेयरिंग है तो वो कितना लगने वाला है, तो बॉल बेयरिंग दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसको बॉल बेयरिंग बोलते हैं। ये बॉल बेयरिंग आपका ये आपको लगने वाला है टोटल, ये 6 पीस लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम चाक व्हील की बात कर रहे हैं, तो व्हील के लिए हमको सिर्फ अभी 2 होना व्हील के लिए। आगे बताऊंगा वो आगे आगे किस जगह लगने वाले हैं, मगर अभी ये व्हील के लिए हमको होना 205 या 204 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा बॉल बेयरिंग हो गया। ये आपने को फिलहाल आप व्हील की बात हो रही है तो व्हील के लिए हमको 2 नग होना ज़रूरी है, तो हमें 2 नग चाहिए तो हम अभी 2 ले लेते हैं। तो ये 2 ले लिए हमने और इसमें हमको व्हील इसमें बिठाना है। तो इसमें हमें 22 mm या लेथ मशीन कवर करके जो बेयरिंग आपके पास है मिल रही है आपके मार्केट में नज़दीक में, ये नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप रॉड थोड़ा लेथ मशीन के ऊपर उसे लेथ वर्क करके इसमें लगा सकते हैं। तो लेथ मशीन, बहुत से भाइयों को लेथ मशीन भी नहीं समझ में आता है लेथ मशीन क्या होता है, तो लेथ मशीन में आपको पिक्चर के द्वारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप का लेथ मशीन होता है और ये लेथ मशीन क्या करता है, इसके ऊपर जो रॉड कुछ भी होता है तो इसको कटाई करके लेवल से कट करके इसमें बिठाने के योग्य बना देता है रॉड को, जो नीचे ऊपर ओबड़ खाबड़ जो हमारा मेटल का सरफेस होता है उसे क्लीन करके परफेक्ट तरीके से इसमें बिठाने के लिए काम करता है। तो ये इस तरह का लेथ मशीन होता है। तो फिर इसमें कैसा बिठाएंगे, तो इसमें हमको 22 mm का रॉड लगेगा। 22 mm या उससे कम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, और 22 mm सफिशेंट रहता है, 18 mm 22 mm, तो 22 mm रॉड यूज करेंगे तो वेट के हिसाब से अच्छा रहता है। और इसको हम रॉड बनाएंगे अभी, तो इसमें से हम जो रॉड डालेंगे वो इसके आर पार होने वाला है। तो ये रॉड की लेंथ कितना होना चाहिए, वो भी आगे हम बताने वाले हैं। तो इसका जो लेंथ आएगा नीचे का रॉड का, तो
इसका जो लेंथ आएगा ये रॉड का, ये आपको 22 mm का जो रॉड यूज करेंगे इसमें वो 19 इंच का आएगा टोटल लेंथ। इसमें जो बीच बीच में जो दूरी इसकी, ये आपको साइड से बॉल बेयरिंग के साइड से 2-2 इंच बाहर निकलेगा, इधर 2 इंच निकलेगा, इधर 2 इंच निकलेगा, और इसकी पूरी टोटल रॉड की लेंथ जो रहेगी वो लेंथ रहेगी आपकी 19 इंच, 15 इंच में बीच बीच में की लेंथ रहेगी, और ये 2 इंच 2 इंच बाहर रहेगा। तो लेंथ बता देता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 इंच का बेयरिंग से बाहर जो निकलेगा हमारा 22 mm का रॉड, वो 2 इंच रहेगा इधर पुली गिली बिठाने को बाद में आगे काम में आएगा। तो ये बाहर से इधर से भी 2 इंच निकाला है, और बीच में पुली जो है वो 2 इंच के पट्टे में वो जो रॉड आएगा हमारा चैनल आएगा जिस पे हमारा अच्छा व्हील फिट होगा, वो 2 इंच का पकड़े, वो 2 इंच का पकड़े, और बीच में जो बॉल बेयरिंग से और अगले बॉल बेयरिंग तक बीच में का रास्ता जो है हिस्सा है वो 11 इंच आएगा। तो ऐसा टोटल मिला के हमें 19 इंच। तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो हमको टोटल इसमें 19 इंच का पीस लगेगा। जो ये रॉड की टोटल लेंथ है वो 19 इंचेस आएगी। तो ये टोटल रॉड 19 इंच आ गया, ये पूरा लेंथ इसमें 19 इंच का लेना है, 2 इंच इसमें आएगा, 2 इंच इसके बाहर निकलेगा, और इस जगह लेथ मशीन का काम होगा। दो जगह ये जो बॉल बेयरिंग हमारी बैठेगी इस जगह लेथ मशीन का वर्क होगा, 200-250 रुपये एक वर्क के लेते हैं, तो दो जगह अभी 400-500 रुपये इसमें लग जाएंगे आपको। और ये बॉल बेयरिंग 250-300 रुपये में आती है, और लेने को गए अच्छे कंपनी में तो 500 रुपये तक भी आती है, तो 350-400 ऐसे पूरा मिला के 500-600 रुपये आपने दो बेयरिंग के पकड़ लिए। इसमें अच्छे लेंगे क्वालिटी के तो 500 रुपये में एक बेयरिंग, तो 2000 में दो बेयरिंग भी बैठती है आपके, तो लेने के ऊपर आपके ऊपर डिफेंड। तो इसके आप अच्छी कंपनी का ले बॉल बेयरिंग, तो इसको बॉल बेयरिंग बोलते हैं। तो आगे चलेंगे अभी, तो पहिया हमारा जिस जगह बैठेगा, जो हमारा 19 mm का जो सरिया जाएगा इससे गुजरता हुआ बॉल बेयरिंग से, ये 19 mm का सरिया होगा हमारा, और अब इसमें हम व्हील जो बिठाएंगे, तो ये जो जगह है हमारे इसमें जो व्हील बैठेगा बड़ा वाला, तो इस जगह हमें चेन्स पॉकेट गियर की जगह जैसा अभी जो पट्टी हम डालने वाले हैं, तो इस पट्टी को जोड़ने के लिए इस जगह आपको वेल्डिंग करके एक पीस लगा देना है, और इसे नट बोल्ट सिस्टम रखना है, जैसा अभी छोटे छोटे नट रखेंगे 4 जगह, तो ये खोलने में आपको आसानी देगा इस जगह ऐसा। और इसके ऊपर आपको जो आपके व्हील के जो पट्टी आने वाली 2 इंच की लेने वाले थे हम बड़ी वाली, तो पट्टी आपको इसमें आ जाएगी, तो वो जो 4 पट्टी थी वो पूरा इसमें इस तरह वो पूरा व्हील इस पर फिट हो जाएगा 4 पट्टी पे। तो इसमें हमको इस जगह लोहे का राउंड फीस या चौकोनी भी ले सकते हैं, राउंड में ऐसा पीस ले लेंगे लोहे का, और इस 22 mm के रॉड पे पेस्ट करके ऐसे नट बोल्ट सिस्टम से रखेंगे, जैसा ऐसे निकाल भी सकते हैं और बिठा भी सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा व्हील बन गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोस्तों इसका जो बॉडी का मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन बताएँगे पूरा। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा ये पूरा बॉडी के ऊपर रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस जगह तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, तो आप इससे देख के भी अपना मिनी पावर टिलर बनवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।